वेलकम टू द चैनल बी एड करिकुलम आइए बात करेंगे पेपर फर्स्ट में यूनिट थर्ड के बारे में तो इसमें आज पढ़ेंगे सोसाइटी के बारे में सोसाइटी जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि समाज जो लोग यहाँ पर रहते हैं लोगों से मिलकर बना है इसके बारे में बात करेंगे मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ सोसाइटी समाज का क्या रूप है क्या डेफिनेशन है क्या अर्थ है इसका तो सोसाइटी इज़ नाइदर एंड एग्लोम मेरेशन ऑफ मैंस वूमेंस चिल्ड्रन नाट देयर कमिंग टूगेदर टू अचीव एन ऑब्जेक्टिव विद एन आई ऑन देअर इवेंचुअली इवेंचुअल डिसग्रीमेंट इन सोश सोशियोलॉजी द टर्म सोसाइटी रिफर्स नॉट ओनली आ ग्रुप ऑफ पीपल मतलब शोशियोलॉजी में सोसाइटी का अर्थ सिर्फ एक हाँ, व्यक्तियों के समूह से ही नहीं होता है बट टू द कॉम्प्लेक्स पैटर्न ऑफ द नॉर्म्स ऑफ इंटरेक्शन दैट अराइज अमंग दैम तो ये जो है सोसाइटी का अर्थ वहाँ पे होता है कि एक जो कॉम्प्लेक्स जटिल पैटर्न बन जाता है जो रहने वाले समाज में व्यक्ति हैं उनके बीच में लोगों के बीच में जिनसे जो है सोसाइटी होती है फंक्शनली सोसाइटी में भी डिफाइंड एज अ कॉम्प्लेक्स ऑफ द ग्रुप इन रेसिप्रोकल रिलेशनशिप्स इंटरक्टिंग अपॉन वन अनदर इबलिंग ए ईच पर्सन टू अचीव द फुलफिलमेंट ऑफ लाइफ इसमें जो है हर एक व्यक्ति को ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ दी जाती हैं एक दूसरे से इंटरेक्ट होने के बाद कि वह अपने लाइफ के गोल्स को अचीव कर पाएँ फर्दर सोसाइटी में भी व्यूड डायनेमिकली तो सोसाइटी जो है वो एक डायनेमिक टर्म है अकॉर्डिंग टू जिन्सबर्ग जिन्सबर्ग के अनुसार एक डेफिनेशन है अकॉर्डिंग टू गिडिंग्स गिडिंग्स के अनुसार एक डेफिनेशन है तो इसमें बताया गया है सोसाइटी इज द यूनियन एट सेल्फ सोसाइटी एक तरह से अपने आप में एक संघ है एक ऑर्गेनाइजेशन है द सम ऑफ फॉर्मल रिलेशनशिप इन विच एसोसिएटिंग इंडिविजुअल आर बाउंड टुगेदर जिसमें एक फॉर्मल रिलेशन के थ्रू एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से जुड़ा होता है देन कुछ और डेफिनेशंस दी गई हैं सोसाइटी के बारे में इसके बाद है नेचर ऑफ सोसाइटी तो आ, समाज की क्या प्रकृति होती है तो समाज एक अमूर्त है इस ये जो है नेचर में अम, अमूर्त है अब्स्ट्रैक्ट है जो है सोसाइटी इज़ अ ग्रुप ऑफ पीपल ये लोगों का एक समूह होता है लोगों के रिलेशनशिप का एक ऑर्गेनाइजेशन होता है सोसाइटी देन है फिजिकल एलिमेंट इन सोशल रिलेशनशिप तो ये एक फ़िज़िकल एलिमेंट है सोशल रिलेशनशिप में देन इसके बाद है फंक्शंस ऑफ एजुकेशन इन सोसाइटी तो क्या फंक्शंस हैं एजुकेशन के लिए सोसाइटी के कल्चरल ट्रांसमिशन है एक कल्चर से दूसरे कल्चर में बदलाव होना देन सोशल इंटीग्रेशन लोगों का एक एक कॉमन जो है आइडेंटिटी होनी एक कॉमन पहचान होना एक कॉमन लैंग्वेज बोला जाना देन इनोवेशन, नए नए डिस्कवरीज करना सिलेक्शन एंड एलोकेशन, ये भी एक फंक्शन है इसके बाद है रिलेशनशिप बिटवीन एजुकेशन एंड सोसाइटी मतलब स्कूल और सोसाइटी में क्या रिलेशन होता है क्या संबंध होता है तो स्कूल एंड सोशल प्रोग्रेस इसमें मतलब स्कूल के साथ साथ सोशल प्रोग्रेस को दिखाया गया है जिसमें डॉन जॉन डीवी बात करते हैं कि बच्चे को एक कंस्ट्रक्टिविस्ट बनाना चाहिए उसे खोज करता होना चाहिए देन है सेकेंड एजुकेशन इज द रिफ्लेक्शन ऑफ सोसाइटी तो शिक्षा जो है वो समाज का ही रिफ्लैक्शन है प्रतिरूप है सोसाइटी प्रोवाइड्स अ लाइन ऑफ एक्शन टू एजुकेशन एक लाइफ प्रोवाइड करता है लाइन प्रोवाइड करता है एक्शंस को देन एजुकेशन टीचर्स सोशल रोल्स एजुकेशन के थ्रू शिक्षा के थ्रू जो है सोशल रोल्स का पता चलता है उनको शिक्षित किया जाता है एजुकेशन मेंटेन सोशल स्टेबिलिटी को मेंटेन करती है एजुकेशन एजुकेशन ट्रांसमिट वैल्यूज़ एजुकेशन कॉजेज सोशल ग्रोथ सोसाइटी सर्व्स एज अ गाइड ऑफ द एजुकेशन देन हैज सर्वर सर्वाइवल ऑफ सोसाइटी रेस्ड ऑन एजुकेशन इसके बाद बात करेंगे एस्पेक्ट एंड कंपोनेंट्स ऑफ सोसाइटी तो क्या क्या एस्पेक्ट होते हैं या क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं तो एस्पेक्ट में जो है बताया गया है कि यहाँ पे फाइव एस्पेक्ट्स होते हैं ह्यूमन सोसाइटीज में जिसमें है पॉपुलेशन जनसंख्या कल्चर मटेरियल प्रोडक्ट्स और सोशल ऑर्गेनाइजेशन एंड सोशल इंस्टीट्यूशंस ये सारे एस्पेक्ट्स हैं देन कंपोनेंट्स की बात करें ये सारे कंपोनेंट्स हैं फाइव देन एस्पेक्ट की बात करेंगे तो सोसाइटल एस्पेक्ट्स जो है सेवन टाइप्स के हैं होम स्कूल रिलीजन कल्चर सोशल चेंज सोशल मोबिलिटी सोशल स्टार्टिफिकेशन तो इसमें बात करेंगे फिर कल्चर के बारे में क्योंकि कल्चर भी एक जो है एस्पेक्ट है सोसाइटी का ही तो इसमें कल्चर के बारे में बात करेंगे मीनिंग एंड डेफिनेशन आइए समझते हैं द वर्ल्ड कल्चर इट इज डिराइव फ्रॉम द मिडिल फ्रेंच वर्ड ये जो है मिडिल फ्रेंच वर्ड से लिया गया है कल्चर से विच इन टर्न इज़ डिवाइडेड इन टू इज डिराइव फ्राम लैटिन लैटिन भाषा से लिया गया है इन लैटिन कल्चर इज रिटर्न एज आइदर कल्ट ऐसे लिखा जाता है सी यू एल टी यू एस या ऐसे भी लिख सकते हैं इसको कोलोई सी ओ एल यू आई कोलो सी ओ एल ओ इस तरह से इसे लिखा जा सकता है कल्चर को दीज लैटिन वर्ड्स कैन मीनिंग कैन मीन फॉरेस्टिंग इनका मतलब होता है फॉस्टरिंग फॉर्टरिंग इनहबिटिंग कल्टिवेटिंग टेलिंग मेंटेनिंग ट्रेंडिंग टू टेंडिंग टू चेरिशिंग वर्शिपिंग डेकोरेटिंग एंड एडोर्निंग ये सारे मीनिंग्स हैं कल्चर के द लैटिन कोलर eventually evolved into cultura and the culture, which means agriculture, cultivation, training and taking care of. कार्ड hota hai then according to Harsh Kovit, इनके अनुसार बताया गया है कि culture is the man-made part of environment. तो culture जो है वो एक man-made part है environment का हमारे भाषा वर्ण का देन कुछ अधर डेफिनेशन भी दी गई हैं टेल्योर के अनुसार जैसे ये डेफिनेशन दी गई है ई बी टेल्योर के अनुसार कल्चर इज द कंप्लीट होल विच इंक्लूड्स नॉलेज बिलीव आर्ट मोरल मोरल लॉ कस्टम्स एनी अदर कैपेबिलिटीज एंड हैबिट्स अक्वायर्ड बाई मैन एज मेंबर ऑफ सोसाइटी देन फीचर्स की बात करते हैं तो फीचर्स ऑफ कल्चर में कल्चर एक सोशल टर्म है ये इसका फीचर है कल्चर को शेयर किया जा सकता है इसे लर्न किया जा सकता है कल्चर जो है ट्रांसमेसिव होता मेसिव होता है एंड कंटिन्यूस प्रोसेस है ये क्यूमुलेटिव होता है कल्चर कल्चर वेरीज फ्रॉम सोसाइटी टू सोसाइटी अलग अलग समाज का अलग अलग कल्चर होता है देन है कल्चर इज डायनमिक कल्चर एक डायनेमिक प्रोसेस है क्योंकि यह बदलता रहता है कल्चर इज ग्रेटिफाइंग कल्चर इज़ इंटर रिलेटेड एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं एडाप्टिव होता है क्योंकि लोग इसे स्वीकार कर लेते हैं देन सिंबल्स में भी बताया जा सकता है साइंस में भी बताया जा सकता है कल्चर को इसके बाद है एलिमेंट्स ऑफ कल्चर तो कल्चर के एलिमेंट्स में इंक्लूड किया जाता है मटेरियल कल्चर को देन है रिलेशनशिप ऑफ कल्चर विद एजुकेशन एजुकेशन से क्या रिलेशनशिप है कल्चर का तो अडाप्टन टू द नेचुरल इन्वामेंट को अडाप्ट करना स्वीकार करना सोशल इन्वामेंट को अडाप्ट करना स्वीकार करना डेवलपमेंट करना पर्सनालिटीज़ का सोसाइटी एंड नीड फॉर स्कूलिंग स्कूलिंग की नीड को रिकगनाइज करना ट्रांसमिशन ऑफ सोश कल्चरल हेरिटेज हमारी धरोहर सांस्कृतिक धरोहर क्या है उनका ट्रांसमिशन करना इम्प्रूवमेंट ऑफ सोसाइटी सोसाइटी में इम्प्रूवमेंट करना बदलाव करना सो रोल ऑफ स्कूल स्कूल में रोल बताना देन स्कूल एज अ कम्युनिटी इन मेचर देन है इम्पैक्ट ऑफ कल्चर ऑन एजुकेशन तो क्या इम्पैक्ट है एजुकेशन पर कल्चर का ये करिकुलम को डिसाइड करता है क्योंकि अकॉर्डिंग टू सोसाइटी हमारे कल्चरल नीड्स को रिकॉग्नाइज किया जाता है मेथड्स ऑफ टीचिंग दी जाती है अकॉर्डिंग टू योर कल्चर बच्चे की जो है कल्चर को देखते हुए टीचर सेंटर जो है स्टूडेंट सेंटर करिकुलम उसका डिसाइड किया जाता है डिसिप्लिन मेंटेन किया जाता है टेक्स्ट बुक को अरेंज किया जाता है अकॉर्डिंग टू कल्चर अकॉर्डिंग टू कल्चर जो है टीचर्स ऑर्गेनाइज होते हैं स्कूल का पूरा मीनेचर ही डिसाइड होता है उसके थ्रू देन है इम्पैक्ट ऑफ एजुकेशन ऑन कल्चर क्या इम्पैक्ट होता है एजुकेशन का कल्चर पर तो प्रिजर्वेशन ऑफ कल्चर ट्रांसमिशन ऑफ कल्चर डेवलपमेंट ऑफ कल्चर कंटिन्यूटी ऑफ कल्चर डेवलपमेंट ऑफ पर्सनलिटी रिमूवल ऑफ कल्चरल लगस इसके बाद बात करेंगे सोशल चेंजेस की तो सामाजिक बदलाव जो हो रहे हैं हमारे समाज में उनके बारे में सॉरी तो इसमें मीनिंग एंड डेफिनेशन के बारे में पढ़ेंगे चेंज इम्प्लाइज और वेरिएशंस इन ह्यूमन सोसाइटीज मतलब मानव समाज में जो भी बदलाव हो रहे हैं वह सब जो है चेंजेस में आ जाएंगे बदलाव में आ जाएंगे व्हेन चेंज अकर इन मोड्स ऑफ लिविंग ऑफ इंडिविजुअल जब ये चेंजेस इंडिविजुअल एक व्यक्ति के जो है जीवन में आते हैं सोशल रिलेशन्स में आते हैं तो ये जो है इन्फ्लुएंस करते हैं सच चेंजेस आर कॉल्ड इन्हीं सारे चेंजेस को हम सोशल चेंजेस के नाम से जानते हैं सोशल चेंज रिफर्स टू द मॉडिफिकेशन विच टेक प्लेस इन लाइफ पैटर्न ऑफ द पीपल पीपल्स के लाइफ पैटर्न में जो इम्पैक्ट करते हैं वही सोशल चेंजेस कहलाते हैं इट अकर्स बिकॉज ऑल सोसाइटीज़ आर इन द कॉन्स्टेंट स्टेट ऑफ द डिसक्लेबेरियम क्योंकि सारी ही जो सोसाइटीज हैं समाज हैं वो एक दूसरे के साथ जो है एक्लेबेरियम नहीं बिठा पा रहे हैं देन कुछ डेफिनेशन हैं जॉनसन्स के अनुसार सोशल चेंजेस की डेफिनेशन है सोशल चेंज इज आइदर चेंज इन द स्ट्रक्चर मतलब इनका कहने का मतलब था कि समाज में जो चेंजेस हो रहे हैं वो या तो उनके स्ट्रक्चर में चेंज है या कॉसी इस्ट्रक्चर जो है एस्पेक्ट ऑफ द सिस्टम है कॉजी स्ट्रक्चर में चेंजेस है इन द रिलेटिव इम्पोर्टेंस ऑफ को एग्जिस्टिंग कल्चरल पैटर्न जिसके थ्रू जो है जो हमारे समाज का पैटर्न है वो चेंज हो रहा है इसके बाद एक डेफिनेशन है अकॉर्डिंग टू एम डी जैनसन के अनुसार सोशल चेंज में बी डिफाइंड एज द मॉडिफिकेशन इन द वेज ऑफ डूइंग एंड थिंकिंग ऑफ द पीपल मानो के रहने में और उनकी सोच में विचारों में जो परिवर्तन आ जाते हैं वही सोशल चेंजेस हो जाते हैं इन्होंने इसी को सोशल चेंजेस का नाम दिया है देन कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोशल चेंजेस कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स बताई गई हैं सोशल चेंजेस की समाज में बदलावों की तो चेंज इन सोशल समाज में जब बदलाव होता है तो उसे सोशल चेंज कहते हैं सामाजिक बदलाव कहते हैं यूनिवर्सल होता है जब सांसारिक रूप से होता है कंटिन्यूस्थ हो सकता है इन्वेंटेबल होता है टेम्पोरल होता है ये रेट ऑफ चेंज इज़ नॉट यूनिफॉर्म ये जरूरी नहीं है कि जो चेंज बदलाव हो रहा है वो हमेशा एक रूप में ही हो ये प्लांट भी हो सकता है अनप्लांट भी हो सकता है सोशल चेंज मल्टी कॉजनल कॉजल होता है सोशल चेंज सोशल चेंज क्रिएट्स चेंज रिएक्शन ये जो है चेंज चेन के रूप में जो है रिएक्ट करता है एक से दूसरे में चेन के रूप में कले कलेक्ट होता चला जाता है प्रिडिक्शन इज अनसर्टेन सोशल चेंज के बारे में हम पहले से नहीं प्रिडिक्ट कर सकते हैं इसके बाद बात करेंगे कॉजेज ऑफ सोशल चेंज के बारे में तो क्या क्या कॉजेस हो सकते हैं सोशल चेंजेस के कारण क्या क्या हो सकते हैं तो इसमें आप इस चार्ट के थ्रू समझ सकते हैं इसमें फर्स्ट है डेमोग्राफिक फैक्टर्स तो सोशल चेंज अकॉर्डिंग टू तो डेमोग्राफिक एरिया जियोग्राफिकल एरिया, एरिया के अनुसार जो भिन्नता आएगी जो चेंजेस आएंगे देन कल्चरल फैक्टर तो अकॉर्डिंग टू तो कल्चर इंडिविजुअल सोसाइटी में जो भी चेंजेस आएंगे वो सोशल चेंज हो जाएंगे या उनकी थिंकिंग में जो भी चेंजेस आते हैं पीपल्स की वो जो है सोशल चेंजेस में आया जाएगा पॉलिटिकल फैक्टर तो पॉलिटिकल पार्टीज़ जो होती हैं उनके थ्रू या उनके वजह से जो ब, न, लोगों में बदलाव आएंगे वो जो है पॉलिटिकल फैक्टर्स हो जाएंगे इन्वामेंटल फैक्टर यानी कि जो इन्वामेंटल कंडीशंस हैं कैसी हो रही हैं क्या बदलाव हो रहा है उसकी वजह से जो मानव में बदला बदलाव आएगा वो जो है कॉज हो जाएगा सोशल चेंजेस का बायोलॉजिकल फैक्टर्स बायोलॉजिकली जो फैक्टर इफेक्ट कर रहे हैं टेक्नोलॉजिकल फैक्टर टेक्नोलॉजी के थ्रू जो चेंजेस आ रहे हैं इकोनॉमिक फैक्टर आर्थिक व्यवस्था के थ्रू जो भी फैक्टर इफेक्ट कर रहे हैं मानव को साइकोलॉजिकल फैक्टर तो मनोवैज्ञानिक क्या क्या फैक्टर्स हैं क्या क्या कारण हैं ये सारे हो जाएंगे तो आप इसमें जो है डिस्क्रिप्शन में पढ़ सकते हैं डेमोग्राफिक फैक्टर्स में क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव दो तरह के चेंजेस होंगे देन जो है बायोलॉजिकल फैक्टर कल्चरल फैक्टर टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स ये सब आप पढ़ लीजिएगा देन है रिलेशनशिप ऑफ सोशल चेंजेस एंड एजुकेशन एजुकेशन और सोशल चेंजेस में क्या संबंध है तो एजुकेशन एज अ आर नेसेसरी कंडीशन ऑफ सोशल चेंज तो एजुकेशन शिक्षा जो है वो सामाजिक बदलाव के लिए एक नेसेसरी आवश्यक जो है कंडीशन है दशा है एजुकेशन एज एन आउटकम ऑफ सोशल चेंज ये हम कह सकते हैं कि सामाजिक बदलाव का परिणाम ही है एजुकेशन शिक्षा एजुकेशन एज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ सोशल चेंज तो सामाजिक बदलाव का एक इंस्ट्रूमेंट है एजुकेशन के बाद है इम्पैक्ट ऑफ सोशल चेंज ऑन एजुकेशन तो क्या क्या इम्पैक्ट है सोशल चेंज के एजुकेशन पर चेंज इन वाइडर सोशल मिलियन मिल्यू दैन है चेंज इन गोल्स ऑब्जेक्टिव्स एंड वैल्यूज ऑफ सोसाइटी सोसाइटी के जो गोल्स हैं ऑब्जेक्टिव्स हैं वो वैल्यूज़ हैं वो चेंज हो जाते हैं सोशल चेंजेस की वजह से एडवांसेस इन नॉलेज एंड टेक्नोलॉजी टेक्नोलॉजी और नॉलेज में एडवांसमेंट मिलती है बढ़ावा मिलता है इसके बाद है चेंज इन साइज़ एंड कंपोजिशन ऑफ पॉपुलेशन पॉपुलेशन जनसंख्या के साइज़ में भी चेंज होता है और कंपोजिशन में भी चेंज होता है सो थैंक यू एवरी वन ये था सोसाइटी के बारे में कल्चर के बारे में और सोशल चेंजेस के बारे में